हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका बालू। अपना चैनल को स्वागत है। तो दोस्तों आप वीडियो में देख सकते हैं, एक फ़ोन है मेरा पास, MI 4X का फ़ोन है। पूरा डैमेज है, बैक केस भी डैमेज है, आप देख सकते हैं वीडियो में। और आप डिस्प्ले भी देख सकते हैं, वो भी डैमेज है। उसको ऑन करके एक बार चेक कर लेंगे। टच भी वर्किंग है, डिस्प्ले भी सही से दिखा रहा है और खाली आप देख सकते हैं, अच्छा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। टच में भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, इट्स वर्किंग वेरी फाइन, देख सकते हैं वीडियो में। तो अभी इसको हम ये करेंगे, इसको LCD सेपरेटर से सेपरेट करेंगे पूरा डिस्प्ले को, और उसके बाद में जो भी है ना OCA लैमिनेशन मशीन से जो भी काम चलता है उसको कैसे बिठाना है उसको बारे में चेक करेंगे। आप चेक कर सकते हैं। मैं LCD डिस्प्ले को सेपरेट कर लिया हूँ और उसको चेक कर भी आपको दिखा रहा हूँ मैं। आप चेक करो एक बार वीडियो में जो भी है ना, और डिस्प्ले भी सही तरीके से उसको सेपरेट कर चुके हैं हम। आप चेक कर सकते हैं, ध्यान से बिठाना है जो भी है उसी लैमिनेशन कवर को। रोलर यूज़ करके उसी जो भी ग्लू है ना उसको मैं बिठा दे रहा हूँ। देखो एक बार क्लियरली वीडियो में, छोटा सा बबल आया यहाँ पे। इसको अभी नॉर्मल ब्लेड से इसको जो भी है ना एडिशनल जो भी कवर है जो भी उसी ग्लू है उसको कट कर लेंगे ध्यान से, जैसे डिस्प्ले डैमेज ना हो। दोस्तों मैं बहुत ध्यान से कर रहा हूँ काम, ये मेरे लिए थोड़ा नया है, मैं इतना एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, अब गलत ना को समझना, इसलिए मैं थोड़ा स्लो कर रहा हूँ। अब देख सकते हैं जो भी अभी ग्लू का कवर है ना उसको मैं रिमूव कर दिया हूँ। अभी इसके ऊपर टच बिठाएंगे तो जो भी टच के ग्लास के ऊपर जो भी कवर है मैं उसको भी रिमूव कर लिया हूँ इसके पहले से ही, और पूरा साफ़ करके रखा हूँ डिस्प्ले भी और टच भी। अभी उसको टच को ध्यान से एग्जैक्ट पोजीशन देख के उसको बिठाएंगे, सही से बिठाने के टाइम पे जो भी है ना पोजीशन सही रखना है। थोड़ा मेरा नीचे का फ्रेम है थोड़ा एडजस्ट डैमेज है, इसलिए मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा है बिठाने में, कि एडजस्ट का पोजीशन थोड़ा चेक करने में। अभी अभी देख सकते हैं आप, ठीक है, अभी एडजस्ट में सही एडजस्टमेंट हो गया अभी साइड्स में। अभी अभी मैं जो भी है ना डिस्प्ले को मैं पहले से उसको बीच में से मैं उसको स्टिक करूँगा और प्रेस करके, अभी हो गया स्टिक हो गया। अभी उसको ध्यान से निकालेंगे डिस्प्ले और टच को, उसको बाहर निकालेंगे, और इसके बाद जो भी प्रोसेस है ना जो भी प्रोसेस है जो भी लैमिनेशन प्रेसिंग मशीन यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद में बबल रिमूवर यूज़ करते हैं, ये मैं खुद अपना अपना बजट में उसको प्लान कर रहा हूँ मैं। आप देख सकते हैं, आप वीडियो का टाइटल देख के भी समझ सकते हैं कि बिना OCA लैमिनेशन मशीन और बबल रिमूवर के साथ जो भी कॉम्बो बना रहे हैं वैसे बनाएंगे आज अपन भी। देखो मैं जितना हो सकता है उतना हाथ से प्रेसिंग कर रहा हूँ, और उसके बाद में जो मैनुअल प्रेसिंग मशीन रहता है या आप ऑनलाइन में इजीली परचेस कर सकते हैं, मैं उसको ऑनलाइन में प्रेसिंग करके बीच में कॉम्बो रख के अभी उसको मैं प्रेसिंग कर रहा हूँ।
ये प्रेसिंग करेंगे तकरीबन 10-15 मिनट के लिए प्रेसिंग करेंगे, और उसके बाद में जो भी प्रेसिंग कंप्लीट होने के बाद में चेक करेंगे कि प्रेसिंग कितना हुआ, कैसे हुआ और कितने बबुल्स हैं उसमें, उसके हिसाब से बबुल रिमूवर यूज़ करेंगे। जो भी इस वीडियो में, ये वीडियो मेरा पहला वीडियो है कि ये बबुल रिमूवर कॉम्बो बनाने में, तो आप देख सकते हैं मेरा प्रेसिंग ख़त्म हो गया, अब इसको रिमूव करेंगे। तो इसमें जो भी मैं बबुल रिमूवर यूज़ करना चाह रहा हूँ वो होममेड है। मैं बहुत सारे रेफरेंस लिए थे यूट्यूब से कि कम बजट में बबुल रिमूवर कैसे बनाएं, तो आप देख सकते हैं वीडियो में, देख सकते हैं आपको ऊपर का कवर भी मैं निकाल के दिखा सकता हूँ। देखो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बबुल नहीं है, इतना ज़्यादा बबुल्स भी नहीं है। प्रेसिंग तो अच्छे तरीके से हो गया बिना ओसीए लैमिनेशन के मशीन से, अपना प्रेसिंग ख़त्म हो गया मैनुअल प्रेसिंग मशीन से। अब देख सकते हैं बहुत बहुत कम से कम बबुल दिख रहे हैं आप वीडियो में, आपको वीडियो में क्लियरली जूम करके दिखाता हूँ। अब इसमें देख सकते हैं खाली बहुत सारे कम से बबुल बचे हुए हैं इसमें। अब जो भी है ना, अभी अब जो भी ये बबुल्स हैं, अब जो भी ये बबुल्स हैं इसको रिमूव करेंगे, जो भी है होममेड ओसीए बबुल रिमूवर से। चलो दोस्तों अब ये देख रहे हैं ना, ये है मेरा होममेड बबुल रिमूवर मशीन, आप देख सकते हैं। अब इसमें जो भी बबुल्स है ना, कितने बबुल्स रिमूव कर सकते हैं और कितना अच्छा काम करेगा, इसको टेस्टिंग करेंगे। ये इसके पहले भी मैं एक कॉम्बो बनाया हूँ इसके ऊपर टेस्टिंग के लिए, तो आप ये समझ सकते हैं ये मेरा पहला कॉम्बो रहेगा, वर्किंग कॉम्बो रहेगा इसके ऊपर। इसके पहले तो छोटे मोटे से टेस्टिंग करा था मैं, आप इसके लिए आप देख सकते हैं मैं जो भी है अपना डिस्प्ले को अंदर रख रहा हूँ और इसको क्लोज़ कर देंगे। मगर आप समझ सकते हैं आप देखने में, आपको प्रेशर कुकर जो भी दिख रहा है मगर इसमें जो भी है ना वर्किंग है ना, उसको फाइनल आउटपुट भी मैं दिखाता हूँ आपको। आप टाइम भी देख सकते हैं और कितने देर तक उसमें प्रेशर, कितना प्रेशर रखना है और कितना टाइम तक उसके अंदर रखेंगे वो ही प्रेशर पे, उसको भी मैं आप चेक कर सकते हैं। मैं इसमें क्लियरली दिखा रहा हूँ वीडियो में। इसको क्लोज़ कर देंगे और इसमें प्रेशर डालेंगे। इसका प्रेशर के लिए मेरे पास मैनुअल पंप है, फुट पंप है। ये फुट पंप को यूज़ करके इसमें प्रेशर जो भी है, प्रेशर आर्टिफिशियल प्रेशर क्रिएट करेंगे। आप चेक कर सकते हैं इसमें अभी प्रेशर ज़ीरो है, और मेरा जो भी फुट पंप है ना उसमें भी प्रेशर ज़ीरो है। अब इसको थोड़ी देर फुट पंप के साथ इसमें जो भी है ना मैं प्रेशर लोड करता हूँ, और लोड करने के बाद में इतने कितना प्रेशर लोड कर रहा हूँ और कितने टाइम तक इसको मैं रखा हूँ अंदर कोम्बो को बनाने के लिए, वो भी आप चेक कर सकते हैं, देखेंगे। अब देख सकते हैं थोड़ा प्रेशर का मीटिंग में थोड़ा फ्लक्चुएशन है। अभी अभी देखो अभी ख़त्म हो गया है मेरा जो भी है ना फुट पंप पे है ना, फुट पंप जो भी डायरेक्टेड कनेक्टेड है उसमें 30 है प्रेशर, और जो भी है मेरा मशीन के ऊपर जो भी प्रेशर है ना वो प्रेशर आपको 20 तक दिखा रहा है। दोनों में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है, उसके लिए मैं टेक्निकली क्या प्रॉब्लम है उसके लिए मैं नहीं चेक करा, तो मेरे हिसाब से मैं इसको कंसिडर करूँगा 30। नहीं तो आप ऊपर का कंसिडर करेंगे तो वो 20 का प्रेशर में रहेगा, इसके हिसाब से आप उन चेक करेंगे। और मैं नोज़ल को निकाल दिया हूँ, नोज़ल बंद करके, नोज़ल का आउटपुट पाथ को बंद करके मैं नोज़ल को निकाल दिया हूँ अभी 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 देखो अब टाइम 8 बज रही है और 1-20 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। दोस्तों अभी 20 मिनट में चेक कर रहे हैं, मैं आपको टाइम भी दिखाता हूँ, आप टाइम चेक कर सकते हैं। अब 8:20 हो रहा, तो एग्जैक्टली मेरे हिसाब से अभी 20 मिनट हो रहा जो प्रेशर मशीन में जो भी है ना बबुल रिमूवल में कोम्बो रख के 20 मिनट हो रहा, और इसमें प्रेशर भी देखो 20 है, इसमें प्रेशर भी कुछ भी कम भी नहीं हुआ। तो इसको मैं रिलीज करूँगा, अभी इसको ध्यान से बाहर निकालेंगे अपना कोम्बो कौन सा पोजीशन पे है। शायद मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 90% कोम्बो बन गया। अब वीडियो में मैं दिखाता हूँ आपको, अब क्लियरली चेक कर सकते हैं जो भी बबुल्स हैं ना, जो भी बबुल्स सारे बबुल्स रिमूव हो गए मेरे हिसाब से। शायद एक बबुल वैसे ही रह गया जो पहले मैं यूवी ग्लू लगाने के टाइम पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरा,
वो वैसे ही बबल रह गया, वो एक्चुअली वो ऊपर का नहीं है, टच के और डिस्प्ले के बीच में का नहीं है, वो टच बीच का है, टच के ऊपर जो भी ग्लू लगाया है उसका है। आप देख सकते हैं, मैं क्लियरली इसमें दिखा रहा हूँ, मैं जूम पे पूरा बबल्स, 90% पूरा बबल्स रिमूव है, एक छोटा सा बबल है। वो शायद मेरी गलती है, मेरा ग्लू लगाने में थोड़ा मेरा मिस्टेक हुआ था, तो बाकी का पूरा 90% सुपर कॉम्बो बन गए हैं। अब इसको चेक करेंगे, ऑन करके चेक करेंगे और टच और डिस्प्ले को। इसके लिए मैं जो भी है ना टच को बिठा लेता हूँ मदरबोर्ड में, टच का कनेक्शन देंगे, डिस्प्ले का कनेक्टिविटी भी दे दिया है, बैटरी भी बिठा। अभी इसको ऑन करके चेक करेंगे, ऑन करके इसको चेक करेंगे कि इसका टच चालू या बंद है, और तो टच में कैसा है। चलो डिस्प्ले को दिखा रहा अभी फ़िलहाल के लिए, पंजे से फोन कर देना, चालू हो गया पंजे से फोन पगली पे नहीं कदा। मेरे हिसाब से तो डिस्प्ले तो चालू है, टच भी चालू है, पूरा चेक करेंगे टच को। थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम देख सकते हैं, मेरा कैमरा फिक्सिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है, मगर आप चेक कर सकते हैं वीडियो में, टच भी सही तरीके से काम कर रहा, टच में अभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हैं जो भी छोटा सा बबल है ना, वो भी फ़ोन ऑन होने के बाद में वो भी नहीं दिख रहा है। मेरे हिसाब से वो थोड़ी देर यूज़ करेंगे तो वो बबल भी रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। चलो भाई, पूरा पूरा परफेक्ट कंडीशन में है, एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। तो अब इसको पूरा फ़ोन को आप बिठाएंगे, और आप देख सकते हैं दोस्तों मेरे हिसाब से नया फ़ोन बन गया। अब टच भी परफेक्टली वर्किंग है, मैं इसको बैक पैनल भी चेक करना पड़ा मेरे को, और पावर बटन भी रिप्लेस करना पड़ा, और डिस्प्ले कॉम्बो जो भी है वो भी आप वीडियो में चेक करें। तो ये दोस्तों मेरा वीडियो, ये मेरा पहला वीडियो है और होम मेड मशीन का। जो भी है दोस्तों, जो भी डाउट्स है आप कॉमेंट करो। थैंक यू।